देश का अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों में है। कुछ साल पहले जो हमने देखा वो आज फिर से देखने को मिल रहा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। 26 से ज्यादा किसान संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली की चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर किसानों को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड, कंटीली तारों का जाल बिछाया गया है। पुलिस की ओर से की गई इस किलेबंदी को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से लें तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करें, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। वहीं एक अन्य पोस्ट में मायावती ने लिखा, इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं। मायावती के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्ज 60% तक बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी USP हो वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। वहीं प्रियंका गांधी ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल? ऐसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी उठाने न देना, कैसी सरकार का लक्षण है? किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना MSP का कानून बनाया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।